राम की शक्ति पूजा सबसे पहले तो वो याद होना ही बहुत मुश्किल है, और फिर याद होने के साथ साथ उसकी प्रस्तुति, और राम का जो चरित्र है सिर्फ अगर राम की शक्ति पूजा के साथ ही, ये 1936 में जब अक्टूबर 1936 में लिखी गई थी, और संयोग देखिए कि विजयादशमी भी अक्टूबर में ही आती है, कुछ संयोग होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि हमारा उस तरह से ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये सहज और संयोग ऐसे ही बन पाता। राम की शक्ति पूजा अक्टूबर में ही लिखी गई, और जिस तरह से रवि हुआ अस्त यहां से शुरू होती है, रह गया राम रावण का अपराध ये समय, और अंत कहां होता है उसका, कि जब जिस क्षण बन गया भेदने का दृढ़ निश्चय, बाबा ब्रह्मांड हुआ देवी का साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम महाशक्ति ने होगी जय, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन कह महाशक्ति राम के पदन। और जिस तरह की प्रस्तुति थी, जिस तरह की प्रवाह में जाना पड़ता, पार्ट पार्ट में इसकी कुछ नैनों का नैनों से गोपन प्रिय प्रिय संभाषण लतांतरण वो रहा एक मन राम का जो थका जो नहीं जानता है। जिस तरह के भाव आपने अभी हम कर रहे थे, और हमने कहा कि क्षमा के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कॉलेज के महाविद्यालयों के प्राध्यापक भी इस रचना का पाठ नहीं कर पाते, याद करना तो बात है, पाठ नहीं कर, क्योंकि जितने उतार चढ़ाव हुए जब ये नहीं अंजना का जब परिवर्त है, रोको, ये निज शक्ति है, ये वानर नहीं है। तो जितने उसमें उतार चढ़ाव हैं, जितने प्रसंग आते हैं, और ये राम के माध्यम से 1936 का उस वातावरण जो भी आते हैं, राम सतत संघर्ष और संघर्ष में विजय का प्रतीक, वे संघर्ष भी करते हैं तो अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। उसी कहते हैं ना कि 3 दिवस तक जब वो समुद्र का आराधन करते रहे कि भैया हमको मार्ग दो, लेकिन समुद्र ने मार्ग नहीं छोड़ा, तब राम को जो होते हैं, इसीलिए वो खींचा है चित्र, बोले राम सको तब भय भी न हो। 3 दिन तक तो समुद्र को मना करें, लेकिन जब मार्ग देने के लिए तैयार नहीं हुआ तो बोले राम सको भय भी न हो। तो राम कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं, और इसीलिए राम का जो चरित्र है, आज राम को लेकर बहुत सी चर्चा है, अपनी अपनी सुविधा से उसकी व्याख्या है, लेकिन राम ने कहीं भी, कोई कहता है कि शंभू को मार दिया, कोई कहता है कि बाली को मार दिया, पेड़ों की आड़ से छुपकर मार दिया, यहां उसका अवसर नहीं है, लेकिन एक एक का सतर्क उत्तर है जो आपको निरुत्तर देगा। शंभू को क्यों मार दिया, तब का हेतु क्या है, तब का हेतु है विश्व का कल्याण।
और शंभू का हेतु क्या था? इसी उसका उत्तर है कि जब आप कोई तप किसी अकल्याणकारी भाव से करते हो तब तो देवताओं से ज्यादा राक्षसों ने किया, लेकिन हेतु शुद्ध है। राम का चरित्र इस एक बात से आप समझ लीजिए कि